अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमृत सिद्दीक हेयर। आज हमने मेंडल्स के लॉज के बारे में हमने पढ़ना है कि मेंडल जो है उसने दो लॉज प्रेजेंट किए थे। प्रीवियस जो लेक्चर था वो हमने इनहेरिटेंस के बारे में, मेंडल के थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था, और आज जो है हम मेंडल के लॉज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मेंडल ने दो लॉज पेश किए हैं। पहला जो लॉ है वो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन। सेपरेशन इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या सेपरेशन होता है, इसमें जीन्स या एलील्स कैसे सेपरेट होते हैं। और जो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इट इज आल्सो कॉल्ड मानो हाइब्रिड क्रॉस। मानो का मतलब है सिंगल, मतलब इसी लॉ में हम प्लांट जो है, पी प्लांट जो पाइजम से टाइवम है, उसके एक करेक्टर के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसी वजह से इसको मानो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, क्योंकि मेंडल ने यहाँ पर इसमें मेंडल ने पी प्लांट का हाइड लिया है, एक करेक्टर लिया है कि मतलब पी प्लांट या तो ठाल होते हैं और या फिर क्या होते हैं, फिर ड्वार्फ होते हैं, शॉर्ट होते हैं। इस तरह तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने मेंडल के पी प्लांट से मतलब 7 करेक्टर के बारे में हमने स्टडी किया था कि वो सीड शेप, सीड कलर, पार्ट शेप, पार्ट कलर, फ्लावर पोजिशन, वो सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर पे हम डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर चूंकि हम एक करेक्टर लेते हैं, इसी वजह से मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को मानो हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है, या सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस है। इसमें एक ट्रेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं। इसको डिफिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल, कि दी पेयर्ड जीन्स आर एलील्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड ईच गैमेट रिसीव्स one or other allele but not both। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा आपको पता है कि बॉडी में जो करेक्टर होते हैं, जो ट्रेड्स हैं आपके बॉडी के, ये पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल करते हैं। हर करेक्टर के लिए बॉडी में पेयर्स ऑफ जीन्स होते हैं, और ये जीन आपस में एक दूसरे के लिए क्या एलील है। इसी एलील के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आप मियासिस का जो टॉपिक है, जो है हैप्लॉयड सेल डिवीजन है, अगर आप वहाँ पर चले जाएं, उसको आप देख ले, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में आप, तो आपको कंप्लीट जो है समझ आ जाएगी कि जीन्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं। तो आप उधर पर भी जा सकते हैं उसको समझने के लिए। तो मैंने बता दिया कि बॉडी में जो करेक्टर होते हैं, फॉर दैट देयर आर पेयर्स ऑफ जीन, ये पेयर्स ऑफ जीन्स, ये एक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और ये आपस में एक दूसरे के लिए एलील है। और इस एलील द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एलील। तो आपस में दूसरे के लिए एलील है। तो इसमें जो यू पेयर ऑफ जीन्स है जो कि एक करेक्टर के लिए मुख्तस है, वो है प्लांट का हाइट। प्लांट का हाइट है क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ एक सेल के बारे में हमने लिया है पी प्लांट का, और वो हम डिस्कस करते हैं उसके हाइट के बारे में। और हमने जो पेयर ऑफ जीन्स लिए हैं यहाँ पर, एक्चुअली ये प्लांट के हाइट के लिए जीन्स है। बाकी तो सेल के अंदर बहुत सारे जीन होते हैं मुख्तलिफ करेक्टर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर जो हमने ये पेयर ऑफ जीन्स लिए हैं, ये हमने सिर्फ और सिर्फ जो है प्लांट के हाइट के लिए हमने लिए हैं। तो ये जो पेयर ऑफ जीन्स या एलील्स है, दीज आर सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब इससे गैमेट्स बनते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये दो जो होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, इस तरह सेपरेट हो जाते हैं आपस में, इस तरीके से सेपरेट हो गए। फिर इसके बाद तो मीन्स गैमेट्स बन जाते हैं, एक साइड पर स्पर्म, दूसरे साइड पर एग। ये स्पर्म और एग जो है आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं, जाइगोट। जाइगोट से फिर क्या हो जाता है, और जो ओरी है वो फ्रूट में, ओव्यूल जो है वो सीड में। इसी सीड को अगर आप दोबारा ग्रो कर ले तो इससे फिर नए बच्चे जो होते हैं शुरू या पैदा हो जाते हैं। तो इसको देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने लिया है, क्योंकि हम एक करेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, तो मेंडल ने प्लांट का हाइट लिया है और वो है टाल पी प्लांट। टाल पी प्लांट को मेंडल ने क्रॉस किया है यहां पर शॉर्ट पी प्लांट के साथ, मतलब ये आपके पास टाल प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये पी प्लांट है, ये आपके पास है फॉर एग्जाम्पल, ये इसके ऊपर फ्लावर है फॉर एग्जाम्पल, ये एक आपके पास मटर का पौधा है, ये टाल है। और ये आपके पास देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये छोटा सा
मटर का पौधा है। तो टॉल पी प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट को दोनों को आपस में क्या है, आपस में क्रॉस किया। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक टॉल प्लांट है और ये शॉर्ट प्लांट, ये दो डिफरेंट प्लांट उसने लिए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन है। बेसिकली यहाँ पर चूंकि दो डिफरेंट प्लांट है तो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। मेंडल ने क्या किया है, क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जब आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों के दरमियान में हुआ है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इसी प्लांट को, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये मेल प्लांट है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये आप ये प्लांट जो आपके पास है मेल है, जो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लांट फॉर एग्जांपल आपके पास है फीमेल। इसका मतलब ये हो गया कि इसी प्लांट के फ्लावर का जो स्टेमन है उससे पोलन ग्रेन्स आए हैं, कहाँ पर, इसी प्लांट के फ्लावर के स्टेगमा पर। तो क्या हो गया, दोनों के दरमियान में क्रॉस पोलिनेशन। हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि क्रॉस पोलिनेशन जो होता है उसमें दो डिफरेंट प्लांट्स का इस्तेमाल हुआ है। अब देखें, जब उन्होंने टॉल प्लांट और पी प्लांट को आपस में क्रॉस कर दिया, तो ये आपके पास एक टॉल प्लांट है, मतलब आपको नेकेड आई की मदद से आपको ये टॉल नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपके पास कोई एक बंदर जो है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल खड़ा है, ठीक है, उसको नेकेड आई से आ उसको नजर आ रहा है कि ये पौधा जो है ये टॉल है और ये पौधा जो है कि ये शॉर्ट है, ड्वार्फ है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको फिनोटाइप कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। मतलब फिनोटाइप क्या होता है, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब जो एक्सटर्नल जाहिरी जो आपको नजर आ रहा है कि ये टॉल है, ये शॉर्ट है, ये क्या है आपके लिए, ये इसको कहा जाता है फिनोटाइप कहा जाता है। एक और टर्म है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। अब देखिए, ये टॉल प्लांट आपके पास है, इसके लिए पेयर ऑफ जीन्स है, ये पेयर ऑफ जीन है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, दोनों होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों आपस में दोनों ही कैपिटल है तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। कैपिटल टी हमेशा जीनेटिक्स में हम डोमिनेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो आपके पास शॉर्ट प्लांट है, इसके लिए भी पेयर्स ऑफ जीन्स है जो इस करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों स्मॉल स्मॉल टी है, तो है तो दोनों स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन है, बट स्मॉल टी है इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं रिसेसिव। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ये पेयर्स ऑफ जीन्स है, ये पेयर्स ऑफ जीन्स है। तो जब हम किसी प्लांट की जीन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। द जीनोटाइप मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो मेंडल ने जब टॉल पी प्लांट को क्रॉस किया शॉर्ट पी प्लांट के साथ, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ये पेयर्स ऑफ जीन जो है, ये आपके पास गैमेट्स है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है गैमेट्स, ये भी आपके पास दो जीन्स है, तो इधर भी दो गैमेट्स है। तो ये तो पेयर्स ऑफ जीन्स थे, दी पेयर्ड जीन्स आर रिलीज आर सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब आपके पास गैमेट बनते हैं, ये जो पेयर्स ऑफ जीन्स है ये दो, ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं और एक जीन जो होता है इसी गैमेट में आ जाता है और दूसरा जीन जो होता है ये दूसरे गैमेट में आ जाता है। सो ये दो पेयर ऑफ जीन जो है दे आर सेग्रीगेटेड, जो सेग्रीगेशन का लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर सभी पेयर ऑफ जीन्स सेग्रीगेट हो जाते हैं जब क्या बनते हैं, गैमेट्स आपके पास बनते हैं। यहाँ पर शॉर्ट प्लांट के लिए भी पेयर ऑफ जीन्स है, ये गैमेट्स है जो ब्लैक सर्कल भी मैंने शो किए हैं। गैमेट्स को हमेशा इनसर्कल किया जाता है, इसको हम इनसर्कल करते हैं, इसी वजह से मैंने इसको इनसर्कल किए हैं। तो एक जीन जो होता है ये पेयर ऑफ जीन इसी गैमेट में आ जाता है और दूसरा जो होता है इसमें आ जाता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, हाफ होते हैं। अब आपके पास ये गैमेट्स बन गए, ये भी गैमेट्स आपके पास बन गए। अब पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये गैमेट आएगा, ये आएगा, आपके पास इस तरह का ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, या अगर ये गैमेट भी आ जाए कैपिटल टी, इधर से ये स्मॉल वाला आ जाए, तो भी आपके पास यही कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन या हाइब्रिड कंडीशन आपके पास आएगा। तो चूंकि ये दोनों कैपिटल टी कैपिटल टी सेम है, ये भी सेम है, तो हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल इन दो को हम लेते हैं कि यहाँ से एक कैपिटल टी आ जाता है और यहाँ से भी एक स्मॉल टी आ जाता है।
कैपिटल टी आर स्मॉल टी, इससे भी आता है। तो हमने चूंकि एक लिया, दोनों आपस में सेम है, तो हमने एक एक को हमने लिया, क्योंकि सारे प्लांट आपके पास क्या होंगे, इस तरह के पैदा होंगे। अगर ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, तो इस तरह के होंगे। तो हमने तो एक लिया है आल टाल प्लांट। तो मेंडल ने जब दो प्लांट को क्रॉस किया, जिसको मेंडल ने पी फॉर पेरेंटल जनरेशन, वन फॉर फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, जब उसने पहली दफा दो पेरेंट्स को आपस में क्रॉस किया, ये मेल है और ये फीमेल है, गैमेट्स पैदा हो गए। ये गैमेट्स फॉर एग्जांपल, अगर ये मेल प्लांट है तो ये स्पर्म्स है आपके पास, ये फीमेल प्लांट है तो आपके पास एग्स हैं। तो एक स्पर्म और एक आपस में फर्टिलाइज हो गए, आपके पास क्या हो गया, एक बच्चा पैदा हो गया। अब इसको मेंडल ने क्या नाम दिया, एफ वन। प्रीवियस लेक्चर में मैं डिटेल से पढ़ चुका हूँ, एफ फॉर फेलियर, फेलियर का मतलब है सन, बच्चा। जो पहली नस्ल में जो बच्चे आपके पास पैदा हो गए, वो सारे क्या थे, वो सारे टाल थे। अब मेंडल जो था इस पर हैरान हो गया कि पेरेंट्स में तो एक टाल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है, तो सारे बच्चे जो है वो टाल क्यों पैदा हो गए। इस पर मेंडल काफी हैरान और परेशान हो गया कि क्या वजह है। फिर इस मकसद के लिए मेंडल ने किया गया, मेंडल ने एफ वन को आपस में सेल्फ फर्टिलाइज कर दिया। जो आप जो मेंडल के पास एफ वन प्लांट पैदा हो गए, जिसमें अब देखिए यहाँ पर आपके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। अब सारे टाल क्यों है, क्योंकि कैपिटल टी हमेशा हम डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए इसको इसी कैरेक्टर को हम कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, और स्मॉल टी जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो कैपिटल टी की मौजूदगी में स्मॉल टी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो क्या हो जाता है कि कैपिटल टी जो होता है ये स्मॉल टी को डोमिनेट कर जाता है। एज ए रिजल्ट ये स्मॉल टी रिसेसिव रह जाता है और जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट रह जाता है। तो इसी वजह से कैपिटल टी चूंकि डोमिनेंट है, ये टाल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सारे बच्चे आपके पास क्या पैदा हो गए, टाल पैदा हो गए। दो टर्म्स का जिक्र मैंने किया, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट वो करेक्टर होता है जब एफ वन में आपके पास जो पेयर्स ऑफ जीन्स है उसमें जो करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर जाता है, जो कि कैपिटल टी है, तो हम कहते हैं डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एलील। और एफ वन में जो स्मॉल टी है जिसको हम रिसेसिव करेक्टर कहते हैं, जो एफ वन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, सारे प्लांट टाल ही पैदा हो जाते हैं, कोई भी प्लांट इसमें शार्ट प्लांट नहीं है, जिसको हम कहते हैं रिसेसिव करेक्टर। तो रिसेसिव करेक्टर क्या होता है, जब एफ वन में आपके पास एक स्मॉल टी आ जाए लेकिन वो अपने करेक्टर को एक्सप्रेस ना करे, उसको हम कहते हैं रिसेसिव करेक्टर। तो एफ वन आपके पास हाइब्रिड है, क्योंकि एक पेरेंट से एक जीन आया है, दूसरे पेरेंट से भी एक जीन आया है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड। इसी वजह से तो हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स भी कहते हैं। अब मेंडल ने ये पता लगाने के लिए कि एफ वन में तो आपके पास सारे टाल प्लांट आ गए, हालांकि पेरेंट्स में तो टाल है, साइड साथ साथ शॉर्ट प्लांट भी मौजूद है, तो शॉर्ट प्लांट किधर चले गए। तो उसने क्या किया, इसी एफ वन को आपस में सेल्फ फर्टिलाइज कर दिया। इसको देखें यहाँ पर, अगर आप देखें तो आपके पास जो है टाल प्लांट ऑफ वन एफ वन, ये आपके पास ये कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने यहाँ पर लिया है। अब एफ टू हासिल करने के लिए, ये मालूम करने के लिए कि आया इसमें स्मॉल टी जो है मौजूद है या नहीं है, आया ये जो एफ वन है ये कम्प्लीटली इसकी तरह है, क्योंकि नेकेड आई से फिनोटाइपिकली तो ये बिल्कुल इसी तरह है, इस तरह ये टाल प्लांट है हाइट वाइज। आया जीनोटाइपिकली भी ये इसी तरह है या नहीं है, इस मकसद के लिए मेंडल ने क्या किया, एफ टू किया। एफ टू हासिल करने के लिए मेंडल ने क्या किया, इसी एफ वन को सेल्फ फर्टिलाइज कर दिया। एफ वन को सेल्फ फर्टिलाइज कर दिया तो उसके पास एफ टू का रिजल्ट आ गया। तो देखें ये एफ वन इधर भी लिया है, ये एफ वन इधर भी लिया है, इसको आप कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स आपस में क्रॉस कर जाए, एक प्लांट का फॉर एग्जांपल जो है फॉर एग्जांपल स्टेमन है, दूसरे प्लांट के फ्लावर का क्या है कार्पल है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल इसको हम देते हैं ये मेल है, ठीक है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और ये आपके पास क्या है
फीमेल है या के पास एक्स प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए इन दो की भी क्या गैमेट्स पैदा हुआ, इसको आप P2 भी कह सकते हैं, दूसरा पेरेंटल जनरेशन जो आपके पास F2 प्रोवाइड करेगा। तो अब इसके भी ये ब्लैक सर्कल भी मैंने शो की दो गैमेट्स, इसको भी मैंने दो गैमेट्स दो ब्लैक सर्कल में शो किया है। अब देखिए यहाँ पर पेयर ऑफ जीन्स है जो टाल प्लांट की, यहाँ पर भी पेयर ऑफ जीन है लेकिन गैमेट्स बनने के दौरान क्या हो जाता है, ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन ये पेयर जीन्स जो रिलीज होती है सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, सो दैट ईच गैमेट रिसीव ओनली वन एलील नॉट बोथ। देखिए इसमें क्या हो जाता है, ये कैपिटल टी इसी गैमेट में आ जाता है, ये कैपिटल स्मॉल टी इसी गैमेट में आ जाता है। इस तरीके से ये पेयर ऑफ जीन्स है टाल प्लांट के लिए, ये कैपिटल टी इसी गैमेट में आ जाता है, ये स्मॉल टी इसी गैमेट में आ जाता है। तो ये आपके पास स्पर्म्स हो गए, ये आपके पास एग्स हो गए। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फोर डॉट्स जो है मैं यहाँ पर इधर इधर इधर, मतलब आपके पास फोर्स आपके पास इससे जो है कम्बिनेशन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए पहले इस कैपिटल ट्री को आपने क्रॉस करना है इसके साथ, तो आपके पास ए आ जाता है इस तरह, ठीक है, इसके लिए इसकी बारी है तो ये हम इस तरीके से ये कैपिटल टी और कैपिटल टी जो मैंने यहाँ पर लिखा है, फिर इसी कैपिटल टी को फिर इसके साथ क्रॉस करना है, तो देखें ये कैपिटल टी आ गया, इधर से भी ये स्मॉल टी आ गया, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी इसी को हमने इन दोनों के साथ क्रॉस कर दिया। अब इसकी बारी है, अब देखें ये स्मॉल टी और ये आपके पास क्या आ गया कैपिटल टी, चूंकि दोनों हाइट के लिए करेक्टर है तो हम क्या करते हैं इसी कैपिटल टी को हम पहले लिखते हैं और स्मॉल टी को हम इधर लिखते हैं। अगर ये दो डिफरेंट करेक्टर होते तो फिर हम इसको चेंज नहीं कर सकते, आगे हम मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट में हम पढ़ेंगे। तो इससे क्या आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसकी इसके साथ बारी है तो क्या करते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी आपके पास स्मॉल टी और स्मॉल टी आपके पास आ गए, तो आपके पास फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके पास आ गए, फोर किस्म के प्लांट्स आपके पास आ गए, जाइगोट्स आ गए, जाइगोट्स डेफिनेटली क्या पैदा होते हैं सीड्स और फिर पौधे नए प्लांट्स जो होते हैं आपके पास पैदा हो जाते हैं। अब अगर आप इसको देखें इसी तरीके को इसी क्रॉस को आप पुलिट स्क्वायर या चक्रबोर्ड की मदद से भी आप कर सकते हैं, पर मैंने लिखा है आर, मतलब अगर आप इसी कैपिटल टी स्मॉल टी को इधर लेके जो कि मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी कैपिटल टी और स्मॉल टी को आप इधर लेके ये फीमेल गैमेट्स है, इन दोनों को क्रॉस करके कैपिटल टी ये दोनों आपके पास आ जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये आपके पास आ जाएगा, फिर इसकी बारी है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी आपके पास ये आ जाएगा स्मॉल टी आपके पास ये फोर कॉम्बिनेशन जो है ये बिल्कुल आपके पास इस तरह आ जाएंगे, मतलब इसी क्रॉस को आप पुनर्ट स्क्वायर या चक्रबोर्ड की मदद से भी आप कर सकते हैं। पुनर्ट जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है उसने, इस तरीके से भी आप क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर ये पुनर्ट स्क्वायर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है जो दूसरा लॉ है उसमें इसी पुनर्ट स्क्वायर का हमने इस्तेमाल करना है, इसके बाहर फिर वो नहीं होता। तो देखिए जो आपके पास F2 आपके पास आ गया, ये फोर कॉम्बिनेशन आपके पास आ गए, तो ये था ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, दोनों कैपिटल टी है तो आपके पास थार प्लांट आ गया, नीचे मैंने लिखा है होमोजाइगस, मतलब है तो डोमिनेंट बट दोनों कैपिटल टी है, होमोजाइगस भी सेम होमोजाइगस। अब यहाँ पर आप देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी है हेटरोजाइगस कंडीशन है तो टाल फिनोटिपिकली क्या टाल है, क्योंकि कैपिटल टी जो होता है ये डोमिनेंट है स्मॉल टी रिसेसिव है, कैपिटल टी की मौजूदगी में स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इसी वजह से आपके पास प्लांट क्या है टाल है। बिल्कुल ये भी इस तरह है हेटरोजाइगस कंडीशन है, तो दोनों के लिए हमने टाल था और ये हेटरोजाइगस है। इस तरीके से आपके पास ये दोनों स्मॉल टी है होमोजाइगस कंडीशन है बट स्मॉल टी है रिसेसिव करेक्टर है, तो हम क्या कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिव।
जब दोनों स्मॉल टी पेयर फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर आपके पास जो प्लांट होता है वो शॉर्ट रह जाता है। आपके पास क्या होता है, फिर आपके पास शॉर्ट होता है। तो अब अगर आप इसको देखें तो आपके पास ये जो आपके पास स्टाल है, क्योंकि चार हिस्से हैं, तो जो वन और फोर्थ हिस्सा है, वन क्वार्टर जो है आपके पास, 25% आपके पास हमजायदा से टाल आ गए। और सब में से आपके पास ये दो जो हैं ये हेटरोजाइगस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 50% आपके पास क्या हो गए, टू और फोर्थ आपके पास 50% आपके पास हेटरोजाइगस बच्चे आ गए। और जो वन और फोर्थ है, जो फोर्थ हिस्सा है आपके पास, वो 25% आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव, दोनों स्मॉल है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, और ये हेटरोजाइगस आपके पास आ जाते हैं। तो इसी इफ टू में मेंडल के पास क्या आ गए, यहाँ पर आते शॉर्ट प्लांट आ गए कि नहीं आ गए, जिस पर मेंडल हैरान हो गया था कि पेरेंट्स में पी वन में तो टाल प्लांट के साथ शॉर्ट प्लांट भी क्रॉस हो गया है, लेकिन एफ वन में तो सारे टाल आ गए, वो शॉर्ट किधर चले गए। इस मकसद के लिए मेंडल ने किया क्या, एफ वन की सिर्फ पॉलिनेशन कर दी, एफ टू हासिल किया, एफ टू में उसके पास फिर शॉर्ट प्लांट आ गया। ये जो एफ वन के जो प्लांट है ये हमने किसी और जगह से नहीं लिए हैं, ये इसी ही पेरेंट्स के एफ वन प्लांट है, इसको आपस में क्रॉस किया गया है सिर्फ पॉलिनेशन, मीन्स इसी प्लांट के दो फ्लावर, एक फ्लावर जो है या एक ही फ्लावर में एंथर सेपरल ग्रेन्स स्टिग्मा पर आ जाते हैं। तो आपके पास चार किस्म के प्लांट आपके पास आ जाते हैं। तो ये जो आपके पास एफ टू आ गया, इसमें दो रेशो आपके पास आ जाते हैं, एक को हम कहते हैं फिनोटाइपिक रेशो, जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि फिनोटाइप द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो पौधे आपको जाहिर तौर पर विदाउट द स्टडी ऑफ इट्स जेनेटिक मेकअप आपको लंबे नजर आ रहे हैं, टाल नजर आ रहे हैं, सारे इस तरह आपको नजर आ रहे हैं, तो आपके पास कहते हैं टाल टाल टाल, ये थी ना आपके पास क्या है, टाल है आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, यहाँ पर आपके पास जो टाल प्लांट है वन टू थ्री थ्री रेशो, एक क्या है आपके पास शॉर्ट प्लांट है, तो फेनोटाइपिक रेशो जो आपके पास है वो है थ्री रेशो वन, ये तो जाहिरी तौर पर है। अब दूसरा जो है वो जीनोटाइपिक रेशो है, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अब देखें कि हुआ कि या आप उसके मतलब जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं कि जीन्स किस तरह है। अब देखिए ये एक प्योर जो आपके पास है ये होमोजाइगस, दोनों कैपिटल टी है तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस स्टाल है आपके पास। अब ये आपके पास वन हो गया, सिर्फ एक जीनोटाइपिकली इसी फॉर्म में है, दो कैपिटल टी है, बाकी कोई भी दो कैपिटल टी नहीं है, तो जीनोटाइप में मैंने वन लिख लिया रेशो। अब ये दो भी तो टाल है फिनोटाइपिकली, लेकिन जीनोटाइपिकली अगर आप देखें यहाँ पर हेटरोजाइगस कंडीशन है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, यहाँ पर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो जीनोटाइप जीनोटाइपिकली ये आपके पास दो आ गए जो हेटरोजाइगस को रिप्रेजेंट करता है, तो वन रेशो टू। अब एक अगर आप देखें दोनों स्मॉल टी है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, शॉर्ट प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाकी कोई भी किसी भी जगह पर आपको दो स्मॉल टी आपको नजर नहीं आ रहे हैं, तो एक आपके पास क्या हो गया शॉर्ट आपके पास आ गया, तो क्या हो गया आपके पास दो रेशो आ गए मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, फिनोटाइपिक रेशो थ्री रेशो वन, जीनोटाइपिक रेशो वन रेशो टू रेशो वन। अगर ये आपके पास पूरा किया, ये आपके पास मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अगर आपको कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ साथ मैंने आपको आप इसमें एमसीक्यूज वगैरह जो है आप आसानी से आप इसमें पिक कर सकते हैं एमसीक्यूज के लिए, फॉर एग्जांपल मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन की फेनोटाइपिक रेशो ये है, एमसीक्यूज में जीनोटाइपिक रेशो क्या है वन रेशो टू रेशो वन है, ठीक है। कितने करेक्टर लिए है मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन में, एक करेक्टर लिया है, कौन सा करेक्टर लिया है प्लांट का हाइट जो है लिया गया है, ठीक है। गीमेट्स में कितने पेयर ऑफ जीन में से कितने एलील्स आते हैं, एक आते हैं, नॉट बोथ,
नॉट बोथ, ये दोनों एक यूनिट में नहीं आते और न ही ये दोनों एस में आते हैं। यहाँ पर लिखा है कि इन ईच यूनिट रिसीव्स वन और अदर एलियन। अब देखें ये जो यूनिट है ये वाला भी एलियन रिसीव कर सकता है, अदर एलियन में ये वाला भी रिसीव कर सकता है, और ये वाला भी रिसीव कर सकता है या ये वाला भी रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो आप इसमें से एमसीक्यूज को आप पिक करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।